डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट्स मेजर्स। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच। तो एक्चुअल में डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच है क्या? ये एल्गोरिदम को डिजाइन करने की अप्रोच है। जैसे हम ग्रीडी अप्रोच यूज करते हैं, डायनामिक प्रोग्रामिंग की अप्रोच यूज करते हैं, बैक ट्रैकिंग अप्रोच यूज करते हैं, ऐसे सबसे पहले जो है वो आपको, आप चाहे कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो स्टार्टिंग में हम लोग बात करते हैं सबसे पहले डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच की। तो ये नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा कि एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं, कि जो मेरी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का मैं मान रहा हूं कि यार ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो इस बड़ी प्रॉब्लम के ऊपर दिमाग लगाने की बजाय आप क्या करो, इस प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो। मतलब प्रॉब्लम को क्या कर लो, सब प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट कर लो। उन छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स हैं, छोटी छोटी जो सब प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व कर लो और उनके आंसर्स को कंबाइन करके सॉल्यूशन निकाल लो। तो मतलब सिंपल सा मेथड है कि यार मेरा प्रॉब्लम है पी, विच इज वेरी लार्ज। वेरी लार्ज का मतलब है, लेट्स से उसमें कोई इनपुट हम दे रहे हैं, द इनपुट साइज इज वेरी लार्ज। तो मैंने किया क्या, उस प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। लेट्स से P1, P2, P3, P4 अप टू लेट्स से PK, ठीक है। ये सारी मेरी छोटी छोटी सब प्रॉब्लम्स हो गई। इन सब प्रॉब्लम्स को मैंने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया, ठीक है। इनको मैंने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। लेट्स से इनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर लिए, S1, S2, S3, S4, SK, ठीक है। ये इनके क्या है, सब प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस है। उनको फाइनली मैंने क्या कर दिया, कंबाइन करके, कंबाइन करने के बाद मैंने फाइनल जो बिग सॉल्यूशन जो है वो कन्वर्ट कर लिया। तो ये एक्चुअल में क्या है, डिवाइड एंड कॉन्कर। इसमें एक बड़ी मेजर आप कह सकते हो कि यार अगर ये सब प्रॉब्लम्स है, जरूरी नहीं है कि आप इनको सीरियली करो, मतलब पहले इसको फिर इसको। अगर हम आज के टाइम पे बात करें तो आज के टाइम पे हम इसके अंदर क्या यूज कर सकते हैं, पैरेलल कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। अगर आपने हडूप के बारे में सुना हो, स्पार्क के बारे में सुना हो, तो एक्चुअल में जो ये क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में अगर आपने सुना हो, तो वहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, वहां पे इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को पैरेलली रन करके आउटपुट फाइंड आउट करते हैं और फिर उन आउटपुट्स को कंबाइन करके जो की वैल्यू पेयर वाला कॉन्सेप्ट है वो ऐसे ही एक्चुअल में वर्क करता है। तो नॉर्मल लाइफ में भी अगर देखो ना, लाइक आप गेट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, नेट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जब आप उसका सिलेबस चेक करते हो, सिलेबस देखते ही एक बार तो डर जाता है बंदा कि यार इतना सिलेबस कौन करेगा, इतने सब्जेक्ट्स हैं, उनको डीप में करना बहुत मुश्किल है। तो बड़ी प्रॉब्लम है, उसको हमने क्या किया, छोटी प्रॉब्लम है, मतलब सब्जेक्ट वाइज मैंने प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया। पहले एक सब्जेक्ट, दूसरा, फिर तीसरा, उनको रिवाइज करता गया और फाइनली उनको जोड़ के अपने दिमाग में उन सब, आप कह सकते हो टॉपिक्स को जोड़ के मैंने एक फाइनल प्रिपरेशन जो है वो अपनी कर ली है, सो दैट मेरे को ऐसा लगे कि यार सॉल्यूशन फाइंड आउट करना मेरा इजी हो गया। तो ये एक्चुअल में है डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच। तो यही इसका सूडो कोड क्या कहता है, कि अगर प्रॉब्लम स्मॉल है, अगर प्रॉब्लम ऑलरेडी स्मॉल है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो आप उसका सॉल्यूशन डायरेक्टली फाइंड आउट कर लो। लेकिन अगर प्रॉब्लम बिग है, तो आप उसको क्या करो, डिवाइड कर दो बिग प्रॉब्लम को छोटी छोटी सब प्रॉब्लम्स में। उन छोटी छोटी सब प्रॉब्लम्स के ऊपर क्या लगाओ आप, डिवाइड एंड कॉन्कर। मतलब अगर वो अभी भी बड़ी है प्रॉब्लम, मतलब अगर कोई P1, P2, P3 में आपने डिवाइड कर दिया, अभी भी अगर आपको लग रहा है बड़ी है, तो उनको और छोटा करते जाओ, बिल्कुल बेस पे ले जाओ, और फिर उसके बाद हम क्या कर दो, उनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करके कंबाइन कर दो उनके रिजल्ट को टू फाइंड द फाइनल आंसर। तो ये इस तरीके से काम करता है। तो इसकी जो हम, इसके अंदर कौन कौन सी एप्लीकेशंस आ जाती हैं, सबसे पहले आती है बाइनरी सर्च, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम, क्विक सॉर्ट है, मर्ज सॉर्ट है, स्ट्रॉसन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो ये एक एक करके हम इसको डिस्कस करेंगे, ताकि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम कहीं पे भी पूछ लें, आप इजीली आंसर कर सकते हो। थैंक यू।